सो दिस इज़ माई देहरादून पल्टन मार्केट शॉपिंग क्लॉथिंग हॉल पार्ट थ्री वीडियो। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ दो वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखी है देहरादून पल्टन मार्केट की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, अफोर्डेबल प्राइसेस में ये सारी शॉपिंग मैंने की है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू, ये शॉपिंग क्लॉथिंग हॉल मेरा पार्ट थ्री होने वाला है। इट मींस मैंने इससे पहले भी पार्ट वन एंड पार्ट टू आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 2019 में समर्स क्लॉथिंग हॉल, सेम ईयर मैंने विंटर्स क्लॉथिंग हॉल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था एंड वो वीडियो आपको पसंद भी। 2020 में मैंने आप लोगों के साथ समर्स क्लॉथिंग हॉल नहीं शेयर किया था, ऑल नो बिकॉज ऑफ COVID-19 और लॉकडाउन। तो फाइनली अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस 2020 का लास्ट क्लॉथिंग हॉल जो होगा मेरा पल्टन मार्केट। तो जिन लोगों को नहीं पता पल्टन मार्केट कहाँ है, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ। पल्टन मार्केट जो है वो देहरादून में पड़ता है, जो बहुत बड़ी मार्केट है। तो काफी सारे लोग जो बड़ी सिटीज में होंगे तो उन लोगों के लिए वो बड़ी मार्केट नहीं होगी, बट मेरे लिए तो वो काफी बड़ी मार्केट है। काफी सारा स्टफ आपको देखने को मिल जाता है, विंटर समर्स कलेक्शन काफी सारा आपको देखने को मिलता है, प्लस आपको वहाँ पर अच्छे अच्छे प्राइसेस की। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आपको मेरी पार्ट वन पार्ट टू भी पसंद आएगी। अगर देखना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को जरूर मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट उससे पहले आपको ये रेड कलर के बटन को प्रेस कर दो, इट्स टोटली फ्री, एंड हिट द बेल बटन जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे। डू नॉट स्किप द वीडियो। फाइनली स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर बॉटम वेयर से स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर लोअर से ही स्टार्ट कर देती हूँ, और ये वॉर्म लोअर वहाँ से बाय किए हैं। एज यू कैन सी फ्रंट से कुछ इस तरीके का है, मैं काइंड ऑफ क्यूट बनाने के लिए इसमें रिबन भी बना रखा है, एंड इसमें टाइगर प्रिंट हो रखा है। बेसिकली टाइगर जो होता है वो येलो एंड ब्लैक का प्रिंट होता है, इसमें पिंक व्हाइट एंड ब्लैक की स्ट्राइप्स है। एंड ये मेरी सिस्टर का है बिकॉज ये उसी ने चूज किया था। एंड जो सेकंड है वो मैंने खुद के लिए बाय किया है, इस तरीके का है। एज यू कैन सी ये लूज एंड टाइट करने के लिए दे रखा है। कलर है वो है डार्क स्काई ब्लू काइंड ऑफ, एंड सोलर पियर एंड क्रिसमस ट्री। मटेरियल वाइज बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा वार्म है। दोनों मैंने सेल में ही लिए थे, 150 के दो मिल रहे थे, क्वाइट गुड डील। डार्क ब्लू इन शेड में है, इलास्टिक वाला है, एंड फ्रंट में इसके पॉकेट है। एज यू कैन सी साइड भी इसके पॉकेट देखने को मिलती है। पॉकेट होती तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, खास बात है वो यही है कि इसमें डैमेज है। एंड ये लूज काइंड ऑफ जीन्स है, बोल सकते हो जॉगर्स बोल सकते हो, या फिर आप इसे पैंट लुक बोल सकते हो। आई एम रियली रियली पुअर टू प्रोनाउंस इट वेरी प्रॉपरली, मुझे किसी के भी नेम नहीं पता होते हैं। प्राइस है वो है 200 रुपीज, काफी अच्छी डील थी ना। वेयर में जीन्स मैंने बाय की है, ये भी आपको अगेन डार्क ब्लू इन शेड, एंड फ्रंट में इसके ये टाई अप करने के लिए दे रखा है, लूज एंड टाइट करने के लिए। लूज काइंड ऑफ फिटेड में देखने को मिलेगा, एंड आप बोल सकते हो जॉगर्स बोल सकते हो, व्हाट एवर यू वांट टू से। कुछ व्हाइट सा टेक्सचर भी देखने को मिलेगा, सारे के सारे एंकल लेंथ वाले हैं। पॉकेट नहीं देखने को मिलेगी, ये शो के लिए है, इसमें आपको स्टिचिंग देखने को मिलेगी, बट बैक साइड है इसके पॉकेट। तो इसका प्राइस भी 200 रुपीज है, जस्ट 200। बाय किया है अगेन बॉटम वेयर जीन्स मैंने बाय की है, लाइट ब्लू आइस ब्लू कुछ इस तरीके का ब्लू है। ये भी आ रहा है तो मेरे कैमरे का कलर बिल्कुल येलो टोन हो जा रहा है, बट अब ठीक है। फ्रंट में आपको पॉकेट देखने को मिलेगी, इसमें इलास्टिक है, बट इसमें कोई भी टाई अप करने के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है, एंड बैक साइड इसके नो पॉकेट, कोई भी पॉकेट नहीं है। बस ये लूज काइंड ऑफ फिटेड है, बहुत ही ज्यादा लूज है, बहुत ज्यादा बिग साइज है। आई डोंट नो मैं इसमें कैसे लगने वाली हूँ, बट ट्राई ऑन। प्राइस भी जस्ट 200 रुपीज है, बेसिकली हमने एक ही जगह से लिया था, 200 बाय किया है। अगेन बॉटम वेयर है, एंड आई रियली डोंट नो इसे क्या बोलेंगी, क्या है, बट काइंड ऑफ लेगिंग्स है, बट लेगिंग्स का बहुत पतला फैब्रिक होता है, बट ये मोटा फैब्रिक है। तो इलास्टिक है, बहुत ज्यादा टाइट इलास्टिक है, फ्रंट में या फिर बैक में कोई भी पॉकेट आपको नहीं मिलेगी, तरीके का इसमें वर्क हो रखा है। काइंड ऑफ होने वाला है, ये भी जस्ट
₹200 का है। अगेन बॉटम वेयर में है एंड ये लोअर काइंड ऑफ में है। मैंने आपको बॉटम वेयर में क्लॉथिंग आइटम दिखाए हैं, वो सारे मेरी पसंद के नहीं है, वो मेरी सिस्टर ने ही चूज किए थे। मैं बस एक तरफ बैठ गई थी, मैंने कहा जो चूज करना है कर ले। ये वाला पीस मेरी पसंद का है बिकॉज मैं एक लोअर काइंड ऑफ में चाहती थी कि जो ऐसा हो जो मैं बाहर भी पहन के जा सकूं। बस मैंने इसकी पॉकेट चेक की तो पॉकेट इसमें थी, बट बैक साइड इसकी कोई भी पॉकेट नहीं है। यहाँ ये ग्रेश काइंड ऑफ में है, इसका प्राइस भी ₹200 है। मेरे यहाँ पर बॉटम वेयर खत्म होते हैं। अब बात करते हैं मैंने स्वेटर्स में क्या लिया है। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने यही वाला लिया है, ये है फर काइंड ऑफ स्वेटर, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड इसकी जो स्लीव्स है वो अच्छी खासी लेंथ की है, प्रॉपरली कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लूज काइंड ऑफ फिटेड है, कुछ इस तरीके का इसमें फर है। मटेरियल है बहुत ज्यादा पतला है, तो अगर आप इसे बहुत कड़क ठंड में पहनना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको जैकेट जरूर पहननी होगी, अदरवाइज इसके अंदर कोई अच्छा खासा वार्म सा इनर पहनना होगा। एंड इसका जो प्राइस है जस्ट ₹100। मैंने ये भी आपको व्हाइट इन कलर में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ स्ट्राइप्स भी देखने को मिलेगी, ब्लू ब्राउन स्ट्राइप्स आपको इसमें नजर आ रही होंगी। स्लीव्स है वो भी आपको अच्छी खासी लेंथ में नजर आएगी, बैगी काइंड ऑफ स्वेटर आप बोल सकते हो। उस तरीके की ऊन से ये मिलकर बनाया गया है, इसका जो प्राइस है वो 100 या फिर 150 के बीच का होगा, उससे ज्यादा का बेटर बाय किया है। एंड इसका जो कलर है वो है डार्क ब्लू कलर, जिसमें आपको पिंक कलर के ओवल शेप्स बना रखे हैं इसमें। एंड ये काफी बड़ा स्वेटर है एंड इसका जो स्लीव्स है वो भी काफी लॉन्ग स्लीव्स में है, ज्यादा वार्म है, सॉफ्ट है एंड पूरा हाथ से बना रखा है, ऐसा स्वेटर लग रहा है। आई डोंट नो हाथ से बनाया कि मशीन से बनाया, आई रियली डोंट नो। प्राइस है वो है 100 and 150 के बीच का है, उससे ज़्यादा। अगेन स्वेटर बाय किया है एंड ये स्वेटर का जो नेक है काफी ज्यादा आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए जो स्वेटर्स होते हैं इतने बड़े उनके नेक नहीं होते हैं, बट स्टिल इसमें है। इसका जो स्लीव्स है वो भी काफी लॉन्ग है एंड प्लेन है। इसका जो कलर है रेड या फिर मेरून काइंड ऑफ आप कह सकते हो। इसके पूरे स्वेटर्स में फ्रंट में एंड बैक साइड में आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे, ए है, डब्ल्यू है, एस है, क्यू है, वाई है, पी है, कुछ इस तरीके के हैं। दो स्वेटर्स ऐसे रहे हैं जिनको मैंने वॉश किया और उनका साइज छोटा हो गया, वो बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाई, जब लिया था बड़े साइज के थे बट वॉश करने के बाद उनको क्या हुआ। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि वॉश करने के बाद स्वेटर छोटे क्यों हो जाते हैं या उन्हें हमें पहले वाले साइज में कैसे कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई नो आप लोगों को ये इनर लग रहा होगा एंड कैमरे में जो इसका कलर नजर आ रहा है वो पर्पल काइंड ऑफ आ रहा है, बट ये वाइन कलर है। ₹75 स्वेटर एंड इसका जो कलर है वो ग्रीनिश काइंड ऑफ कलर है एंड ग्रीन में इसका कौन सा शेड है आई सीरियसली डोंट नो, मैं कलर्स के शेड्स बिल्कुल भी नहीं जानती, आई एम रियली रियली वेरी वेरी पुअर। वो बहुत बड़ा साइज है एंड ये पूरे स्वेटर्स में सबसे बड़ा साइज मेरा यही होने वाला है। देखो पूरे कैमरे में भी नहीं आ पा रहा है, ऊपर करना पड़ रहा है एंड अब मैं इसे नीचे कर रही हूँ, कुछ इतना बड़ा साइज है एंड ये पूरा प्लेन है, जो प्राइस है जस्ट 75 ही बाय किया बिकॉज़ मैं स्वेटर ही दिखा रही हूँ। तो ये है कुछ इस तरीके का एंड मैं ये वाला स्वेटर ऑलरेडी वेयर कर चुकी हूँ एंड इसे मैंने वॉश भी कर लिया है। मीडियम काइंड ऑफ इसका साइज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पूरा प्लेन है, इसका प्राइस जस्ट 75 या 80 रुपीज होगा, उससे ज्यादा नहीं है। कलर है वो स्काई ब्लू, डार्क स्काई ब्लू, फिरोजी काइंड ऑफ इसका कलर है। स्वेटर बाय किया है, बस इसमें मुझे एक ही डाउट है कि बहुत ज्यादा छोटा मुझे लग रहा है। ये ₹400 इसका प्राइस है, आगे पीछे बिल्कुल प्लेन है, बट इसकी खास बात यही है कि इसके स्लीव्स है ना थोड़े से रफल काइंड ऑफ आप कह सकते हो, इसकी वजह से थोड़ा सा स्टाइलिश ये लग रहा था।
इसका कलर है, पहनने के बाद ही पता चलेगा कि ये छोटा है कि सही है। वहाँ से बाय किया है वो मेरे लिए, मैंने बाय नहीं किया है, ये मेरी मम्मी के लिए है। कैरेट पीची काइंड ऑफ कलर है, पूरा आपको प्लेन देखने को मिलेगा, बट इसमें कुछ ना फ्रंट में वर्क है, कुछ डिजाइन सा निकाल रखा है, बट इसके बटन्स हैं, 500 रुपीज का है, एंड ये मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट इट्स ओके, मेरी मम्मी के ऊपर हर चीज अच्छी लगती है, मतलब सारे कलर सूट करते हैं। हमारे स्वेटर से थोड़ा सा मोटा इसका मटेरियल है, तो ये कुछ ब्राइट ऑरेंजिश काइंड ऑफ कलर है। फ्रंट से इसके जिप है, एज यू कैन सी टाई अप करने के लिए दे रखा है, ऑल ओवर ऑरेंज कलर का है, पंडी ग्रीन काइंड ऑफ वेलवेट का मटेरियल है जो यहाँ पर नेक में इसका दे रखा है, जोड़ रखा है बस और कुछ नहीं, टू बटन दे रखे हैं, एंड यहाँ पर ये ब्लैक कलर का मटेरियल इसमें जोड़ रखा है, इसके पॉकेट्स भी हैं। हैवी जैकेट नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड भी नहीं है, बीच की जैकेट आप बोल सकते हो। अगर आप मसूरी जा रहे हो तो इसके अंदर आपको मोटा सा स्वेटर जरूर पहनना होगा, तभी आप वहां की ठंड झेल सकोगे। प्राइस है जस्ट 250 रुपए की है, जो बिल्कुल ब्लैक कलर में है, एज यू कैन सी फ्रंट से इसकी जिप है, देखिए कि प्लेन स्लीव्स है, रेनकोट वाला मटेरियल होता है ना कुछ उस तरीके से है, जिसमें पानी ज्यादा ठहरता नहीं है। साइड में इसके यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर कुछ दे रखा है येलो कलर का छोटा सा, लेगी पॉकेट इज माय फेवरेट पार्ट, ये साइड भी इसके पॉकेट है, ऊपर की साइड है कुछ ये, बट हाँ पूरा स्पेस है भाई। इसका जो बेस्ट पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्यूट है, ये बहुत बड़ा साइज का है, ऑल ओवर बैक साइड में रहेगा, बहुत क्यूट लगा मुझे। यूनिवर्सल कलर होता है, जीन्स में वेयर कर लो, सूट में वेयर कर लो, सब में चला जाता है। प्राइस भी जस्ट 250 रुपीज नेक्स्ट जैकेट, एंड ये थोड़े से हैवी मटेरियल में आता है, एंड इसे आप डेफिनेटली मसूरी ट्रिप में पहन सकते हो, ये अच्छे से ठंड को ले लेगा और आप तक ठंड बिल्कुल नहीं पहुंचने देगा। इसका जो बेस्ट पार्ट है वो इसकी कैप है, इसके मेरी दोनों जैकेट में कैप नहीं है, दोनों साइड पॉकेट है। रफल काइंड ऑफ स्लीव्स बना रखी है, अंदर से यहाँ पर फैब्रिक है, थोड़ा सा ना फैंसी लुक देने के लिए। इसमें जस्ट 250 रुपीज है। फेयर में मैंने जो बाय किया है वो ये वाली स्लीपर्स मैंने बाय की है, प्लेन शाइनी व्हाइट कलर का स्लीपर है, ऑल ओवर प्लेन है, बट इसमें गोल्डन कलर की ये स्टोन का वर्क कर रखा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, एंड ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी मम्मी के लिए है, मेरी मम्मी को ये फुटवेयर उस स्वेटर से तो काफी बेटर लगा है। काइंड ऑफ कोल्हापुरी चप्पल होती है ना उस तरीके से। प्राइस जस्ट 150 to 200 करीबन होगा। शूज मैंने बाय किए, एज यू कैन सी बेसिक व्हाइट इन कलर के कैनवस शूज, तो मेरी सिस्टर व्हाइट कलर के शूज के पीछे ही पड़ गई थी कि मुझे व्हाइट कलर के शूज चाहिए ही चाहिए, तो हमने ऑलरेडी शूज ले रखे थे, बट लास्ट में ये वाला शूज भी मुझे लेना पड़ गया उसके लिए। जो लेसेस है रेड एंड व्हाइट कलर की मिक्स करके कुछ लेसेस है, एंड साइड में इसके हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, एंड यहाँ पर कुछ रफल का वर्क कर रखा है। शूज के जो सोल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, दैट मींस इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज आप सोल से आइडिया लगा सकते हो कि शूज की क्वालिटी कैसी है। अगेन नियॉन कलर के हैं, ब्राइट से नियॉन कलर के, बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहे थे, इसके लेसेस भी कुछ उस तरीके के, एंड ब्लैक कलर के कुछ धब्बे धब्बे से कर रखे हैं, एंड जो साइड में यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर का है, एंड यहाँ पर लिखा है फैशन, एंड इसके भी जो सोल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इतने भी ऐसे ब्राइट कलर होते हैं ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। शूज भी मेरे को और मेरी सिस्टर को दोनों को ही पसंद आए, बेसिकली हम दोनों की जो चॉइसेस होती हैं वो सेम होती कुछ है। इस तरीके के हैं, मल्टीपल कलर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें रेड ग्रीन स्काई ब्लू येलो व्हाइट ग्रे, इस तरीके के इसमें कलर्स हैं बहुत सारे, एंड इसके सोल भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट। बिकॉज जो डिफरेंट होते हैं चीजें पसंद आ जाती है। सो आई होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो, मैंने इतने सारे अल्ट्रा अफोर्डेबल चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जो मैंने देहरादून पल्टन मार्केट से की है, तो अगर आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग रहे तो मेक श्योर लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो या टिल देन बाय बाय।